लोग एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है पेपर पॉइंट व्यू से सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको इतनी ही अहमियत देनी है और यहां से एमसीक्यूज अक्सर आते भी हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है फाइंड द जीएम बिटवीन। बेसिकली नीचे जो है आपको दो टर्म्स दी गई हैं और कहा गया इसके दरमियान में जीएम मालूम करके दें। जीओएम का मतलब क्या है? जियोमेट्रिक मीन। तो भाई जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए दो मेन फार्मूलाज है जो कि आपकी बुक में बताए गए हैं। ये फार्मूला हम कब यूज करते हैं? जब हमें दो टर्म्स दी जाए और कहा जाए इसके मिडिल में जो नंबर है उसको मालूम करो, उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज करना है। और उसके अलावा दूसरा क्या था कि जब दो टर्म्स दी जाए और कहा जाए कि एक से ज्यादा नंबर ऑफ जीएम मालूम करनी चाहिए यानी ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया जाए, तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन वो आगे के क्वेश्चन में करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन के लिए हम इस फार्मूले की मदद से देखिएगा कैसे इनका अपना आंसर देते हैं। तो भाई फिलहाल हम यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दी, फिर आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसके मुताबिक क्या कंडीशन है यहाँ पे? यहाँ पे ये कंडीशन है कि भाई -2, ठीक है जी, और क्या लिखा हुआ है -8 के दरमियान में आपको क्या मालूम करना है? जीएम मालूम करना है। तो जीएम को हम जी से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जी यानी कि इन दो टर्म के दरमियान में जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। तो जियोमेट्रिक मीन को हम जी से प्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ए क्या होता है? ए फर्स्ट टर्म होती है, बी क्या होता है? लास्ट टर्म होती है। तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इसमें वैल्यू डाले, सिंप्लीफाई करो और आंसर दे दे। तो ए -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई किया आपने क्या माइनस माइनस प्लस, और 2 8 16, स्क्वायर रूट ऑफ 8 16 है 4 आ गया, और प्लस माइनस इसके साथ लग जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहां पे जियोमेट्रिक मीन बिटवीन -2 एंड -8 आपके पास क्या आ गया? प्लस माइनस 4 आ गया। ये आपका आंसर है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप जाके देख सकते हैं एक्सरसाइज 4.6 कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 प्लस माइनस 4 ही आया है। तो यहां पे हमने आपको आंसर भी चेक करा दिया है। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। तो भाई पार्ट नंबर 1 हो चुका है, अब आ जाए पार्ट नंबर 2 पे। तो भाई पार्ट नंबर 2 पे सॉल्यूशन लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या कहा गया है? ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करनी है बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो 3 एंड -3 के दरमियान में जीएम मालूम करनी है, जीएम यानी कि ज्योमेट्रिक मीन। तो उसको कैलकुलेट करने के अगेन हमारा वही एक सेम फार्मूला है, जब दो जीएम दो टर्म के दरमियान में एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करनी हो तो उसका फार्मूला ये रहता है। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 1/3 है, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो अंदर हमारे पास 1 बच गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 लेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो जियोमेट्रिक बिटवीन 3 एंड 1/3 हमारी क्या निकल के आ गई? ये निकल के आ गई। ठीक है जी बेटा, तो आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो भाई यही आया जी, बिल्कुल यही आया है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जरा देख लेते हैं सोल्यूशन लिखा, अगेन यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। ठीक है जी, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। भाई इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि भाई 8√2 एंड 9√2 के दरमियान में क्या है? जीएम मालूम करके दें, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है जी, तो भाई हमें पता है कि जीएम मालूम करने के लिए सिर्फ दो टर्म के दरमियान में एक जीएम कैलकुलेट करनी है, तो प्लस माइनस √ab हो जाएगा। तो ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म और बी की वैल्यू लास्ट टर्म, तो वैल्यू की वैल्यू डालते हैं और अपना आंसर देते हैं। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू ये है। ठीक है जी, बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू ये है। अच्छा भाई सिंपल, अच्छा यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी इसको ना, चलिए टेक्निक बाद में बताऊंगा, इसको इजीली करते हैं। सबसे पहले भाई इसको इस तरीके से कर लो, मल्टीप्लाई हो रहा है 8 को 8 से 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। सही जी, तो 8 को मल्टीप्लाई करो 9 से, मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये आ गया। और स्क्वायर रूट ले लो 1/4 का, ऐसा ही है ना, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक एक 1/4 आया था इनको जब मल्टीप्लाई किया, और स्क्वायर रूट लेना है तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा प्लस माइनस ये चल रहा है, प्लस माइनस ये चल रहा है, कितना आ गया? 12, ये प्लस माइनस। तो जियोमेट्रिक बिटवीन दी टू नंबर्स, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, और ये मैंने आपको चेक भी करवा दिया। तीसरे का आंसर प्लस माइनस 12 है, क्या बात है बेटा, बेहतरीन। सही जी, ओके हो गया। अच्छा टेक्निक ये बतानी थी, अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई जरा देखो, ये पूरी की पूरी वैल्यू ना कैलकुलेटर के अंदर लिख दो। ठीक है जी, यही है ना वैल्यू, और क्या लिखा? ये लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा ही है। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 9 into ये, ठीक है ना, ये देखिए पूरी वैल्यू मैंने कैलकुलेटर में लिखी, इसको इक्वल कर दिया तो आपके सामने 12 आ गया डायरेक्ट। तो आप डायरेक्ट, अगर आपको मुश्किल होती है मल्टीप्लिकेशन में, कैलकुलेटर जिंदाबाद। ठीक है, तो भाई कैलकुलेटर नहीं है तो ले लो, बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है जी, आगे चल के ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, इकेट पॉइंट व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट व्यू से भी, बहुत ज्यादा चीजें आपको इजीली हो जाया करेंगी। तो यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, सॉल्यूशन लिखा, अगेन यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। ठीक है जी बेटा, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ गिवन और क्वेश्चन में। तो भाई अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, जो गिवन क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है कि भाई -2 आयोटा, ठीक है जी, और 8 आयोटा के दरमियान में जीएम यानी कि ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करके दीजिए। क्वेश्चन में यही कहा है ना, जीएम बिटवीन -2 एंड -8,
सॉरी माइनस टू एंड एट आयोटा, ठीक है जी। तो भाई कैलकुलेट करना है, तो जीएम यानी कि ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करनी है जब दो बंदों के दरमियान में, सॉरी दो टर्म्स के दरमियान में, तो फॉर्मूला ये फॉलो होगा, सही जी। तो यहाँ पे हम जी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस टू आयोटा, फिर उसके अलावा बी हमारे पास क्या है एट आयोटा, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जरा देखेंगे क्या होगा, टू एट जा क्या होगा, 2 8 16, ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस, फिर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस वन के इक्वल होता है। बच्चे बच्चे को पता है, जब आपने चैप्टर नंबर वन कर लिया है उसमें तो आप लोगों ने आयोटा के अंदर मास्टरी हासिल कर ली होगी, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस वन के होता है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर माइनस वन के इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 16 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 जल्दी से ले लें, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिया 4 आ गया, और इसके साथ प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। तो यहाँ पे आके हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सर अंजाम दे दिया, सॉरी क्वेश्चन नंबर किसको 4.6 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था ना, तो हमारा प्लस माइनस 4 आना चाहिए और प्लस माइनस 4 ही आया हुआ है। तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो जिन बच्चों के आंसर गलत आते हैं, यहां से चेक कर लिया करो, सही जी। आंसर भी हम लोगों के चेक हो गए हैं, अब इसके बाद चलते हैं, सिर्फ दो पार्ट रह गए हैं, तो दो पार्ट रह गए, मैं आंसर वीडियो भी देख लूँ, कंटिन्यू है जी, बिल्कुल कंटिन्यू हो रही है, अल्लाह के फजल करम से हम आगे देखते हैं। तो भाई हम लोगों ने अभी तक क्या किया, 3 और 4 को कंप्लीट कर लिया है, अब बारी है पांचवे की, ठीक है जी। तो अगेन सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या कहा गया है भाई, 7 प्लस आयोटा और 7 माइनस आयोटा, ये दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स के दरमियान में जीएम मालूम करो, जीएम का मतलब जियोमेट्रिक मीन, जिसको हम जी से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जीएम जियोमेट्रिक मीन दो टर्म्स के दरमियान में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है। अब इसलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, तो भाई जरा देखिएगा, ये क्या है हमारे पास, ए इज द फर्स्ट टर्म प्लस आयोटा, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय बी, बी इज द लास्ट टर्म, तो वो हमारे पास है 7 माइनस आयोटा। तो भाई इसको आप सिंपल चाहो तो इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो या अपना दिमाग लगाओ, तो बेटा एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना भाई, देखें दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इस तरह लिखाओ तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, तो वही यहाँ पे काम कर लेंगे, अकल से काम लेंगे, ठीक है, अकल से पैदल नहीं होंगे। तो ए का स्क्वायर किया, ए बेसिकली प्रेजेंटिंग 7 और बी प्रेजेंटिंग आयोटा, ए प्रेजेंटिंग 7 और बी प्रेजेंटिंग आयोटा, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर कर दें, ठीक है जी, और फिर माइनस बी का स्क्वायर कर दें, ठीक है जी। देख लें एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, फिर भी आप लाइक नहीं करते, सही है, चले छोड़े, अल्लाह खैर करे। तो 7 का स्क्वायर करते हैं 49, फिर आयोटा का स्क्वायर करें, अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा था आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, तो ये माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं, प्लस माइनस 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसके बाद में इसको इसके अंदर जमा कर देंगे, फिर भाई ये 49 और एक कितना हो गया 50, ठीक है जी। अब अक्सर बच्चों को यहाँ पे होगी मसला कि सर इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो भाई इस पूरी वैल्यू को इक्वल कर दो, ये क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 5 किसके इक्वल होता है, 5 अंडर रूट 2 के, और प्लस माइनस लिखा है प्लस माइनस लिख दें, तो यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन बिटवीन दिस टू टर्म आपको निकालना था, वो जी वो आपके पास आ चुका है, और यहाँ पे आके हम अपना आंसर भी चेक करवा देते हैं। तो भाई यही है 4.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, भाई क्या करें बोर हो जाते हैं पढ़ा पढ़ा के, थोड़ा हंसी मजाक ही कर लें, ठीक है। तो भाई ये देख लेगा आंसर भी हमारा चेक हो गया, चले जी आगे चलते हैं, तो लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, तो लास्ट पार्ट को हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 6, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सोल्यूशन लिखे, सोल्यूशन लिखने के बाद भाई अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, तो भाई क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम पढ़े तो हमें कहा गया है 16/9 और 9/25, इन दो के दरमियान में जीएम मालूम करना है, जिसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, तो सॉरी ज्योमेट्रिक मीन, उसका फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस ए बी, ठीक है जी। तो वैल्यू पुट करें और अपनी जीएम यानी कि ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर लें, ए क्या है हमारे पास 16/9 मल्टीप्लाई है बी से, तो बी इज द लास्ट टर्म, ये है हमारे पास ये, तो भाई ये 9 से 9 कटा, तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर में करना चाहो कैलकुलेटर में भी कर लो, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा 4, ठीक है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा 5, तो ये प्लस माइनस आपके पास यूं आ जाएगा। तो भाई जियोमेट्रिक बिटवीन दिस टू टर्म इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम आके हमारा क्वेश्चन नंबर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ जाता है, और यहाँ पे आके आंसर भी चेक हुआ जाता है। तो बेटा यहाँ पे आके हम लोगों ने अल्लाह के फजल करम से एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कर लिए हैं, जो कि सिर्फ एनसीक्यूज की हद तक इंपॉर्टेंट थे। तो उम्मीद करता हूँ तमाम चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी, किसी किस्म की भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और उसके अलावा मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, अगर मैंने बना लिया होगा तो कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।